बीबी सुबह आया था मुझे मारने घर पे, मेरे घर से उठाया, मैंने तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन में। अपनी माँ की मौत के बाद राखी सावंत अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में आ रही है। पहले राखी ने बोला कि आदिल उन्हें धोखा दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब वो बिग बॉस मराठी में थी तो उनके पीठ पीछे आदिल ने उन्हें धोखा दिया और उन्होंने दूसरी लड़की के साथ अपना रिश्ता रखा। बाद में राखी ने ये भी खुलासा किया कि अब आदिल उनके पास वापस आ गए हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन हाल ही में एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि आदिल उन्हें छोड़कर जा चुका है। राखी सावंत के सोशल मीडिया से एक वीडियो आया है जिसमें वो अपने पति आदिल खान के बारे में बात करती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, उन्होंने इस वीडियो में अपने सौतन का नाम भी ले लिया। राखी सावंत इस वीडियो में कहती नजर आ रही है कि मैंने बहुत मौके दिए लेकिन अब फाइनली आदि मुझे छोड़कर जा चुके हैं उस लड़की के पास। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तनु जो बीवी का नहीं हुआ वो तेरा भी नहीं होगा। चैलेंज, एक साल से वो मेरे साथ है, आज मेरे सीने में दर्द है। मेरे पति को तूने छीन लिया, मेरा पति चला गया। मेरे पास सारे ऑडियोस और वीडियोस है जो तुमने मुझे गालियाँ दी क्योंकि तुमको आदिल का सपोर्ट था। अब तो मैं मीडिया के सामने, जनता के सामने खुलकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर इनके नाम की खबरें वायरल होने लगी। आदिल और राखी के रिश्ते की बात करें तो दोनों ने 8 महीने पहले चोरीशी पे शादी कर ली थी। राखी का कहना था कि आदिल ने उनसे शादी का सच छिपाने को कहा। राखी ने आदिल से शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदला और वो राखी से फातिमा बन गई। तो कि दोस्तों, राखी सावंत की शादी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।